ऊंचाई से देखने में हर शहर कितना खूबसूरत दिखता है ना? शायद इसलिए कि जब हम उसे पास से देखने की कोशिश करते हैं, तब हम उसे सीमाओं, सरहदों, जातियों और तबकों की बरादरी में सिमटा हुआ पाते हैं, जबकि उसकी असल सुंदरता तो उसे संपूर्ण रूप से देखने में ही है। यही एहसास तमाम वक्त तारी रहा जब मैं ये किताब पढ़ती रही, रसूल हमज़ा तोव की लिखी मेरा दागिस्तान। रसूल हमज़ा तोव एक दागिस्तानी कवि हैं जिन्होंने अपनी लोक भाषा में कविताएं लिखना शुरू की और आज वो पूरे विश्व भर में पढ़े और सुने जाते रहे हैं। मेरा दागिस्तान उनकी पहली गद्य रचना है। इसे हम उपन्यास नहीं कह सकते, नहीं आत्मकथा, बल्कि इसे आत्मकथात्मक शैली में लिखी गद्य रचना कहना ज़्यादा उचित होगा। मेरा दागिस्तान मूल रूप से अवार भाषा में लिखी गई किताब है। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि अवार दागिस्तान के एक छोटे से गाँव सादा, जहाँ लेखक की पैदाइश है, वहाँ की भाषा है जो उस छोटे से क्षेत्र में ही बोली जाती है, लेकिन इस अनूठी रचना के विश्व भर की भाषाओं में अनुवाद हुए और आज वो विश्व भर में बड़े इज्जत और उत्साह के साथ पढ़ी जा रही है। मेरा दागिस्तान जो है ये दो भागों में लिखी गई है, भाग एक और भाग दो, और इसे लगभग पूरा पढ़ने में मैंने एक साल से कुछ ज़्यादा का वक्त लिया और आज जो वीडियो लेकर आई हूँ आप कह सकते हैं कि ये मेरी एक डेढ़ साल की मेहनत का परिणाम है। लेकिन घबराइए नहीं, ये किताब इतनी टाइम टेकिंग नहीं है, नहीं मुश्किल है, बल्कि बहुत सरल है। ये मेरा खुद अपना चुनाव था कि मैं इस किताब को आराम से पढ़ूं, पूरे ठहराव के साथ और समझते हुए, ताकि मैं अच्छे से आपको इसके बारे में बता पाऊं। तो मेरा दागिस्तान लेखक की अपने मातृभूमि, अपनी भाषा और अपनी लोक संस्कृति के प्रति अगाध श्रद्धा की गाथा है। किताब के पहले भाग के शुरुआती अध्याय में लेखक एक किस्सा बयां करते हुए बताते हैं कि कैसे एक पत्रिका के संपादक ने उनसे दागिस्तान के बारे में एक लेख लिखने का आग्रह किया, वो भी 9 पृष्ठों में 22 दिनों के भीतर ही। लेखक ने वो प्रस्ताव तो ठुकरा दिया, लेकिन उसके बाद आकार लिया इस पुस्तक ने, जिसका पहला भाग ही सिर्फ ये बताने के लिए लिखा गया है कि अगर रसूल हमज़ा तो कभी अपने देश के बारे में कुछ लिखेंगे तो उस पुस्तक की भाषा कैसी होगी, भाव कैसे होंगे, शैली क्या होगी, विषय वस्तु क्या होगी, विधा क्या होगी, उसमें कितने प्रतिभा की ज़रूरत पड़ेगी और कितने साहस और सच्चाई की मांग उस पुस्तक को रहेगी। और इससे पहले कि आप ये सोचें कि सिर्फ प्रस्तावना पढ़ने के लिए एक पूरी किताब मैं नहीं पढ़ने वाला या पढ़ने वाली, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ऐसी प्रस्तावना आपने आज तक कहीं नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि जब वो बता रहे होते हैं अपने पुस्तक की भाषा, शैली या विषय वस्तु के बारे में, या वो पुस्तक, उस पुस्तक का जन्म कैसे हुआ इस बारे में, तब ठीक उसी वक्त वो वास्तव में बता रहे होते हैं अपने अनोखे देश दागिस्तान के बारे में, वहाँ की लोक कथाओं, किस्सों, कहावतों, मुहावरों के बारे में, आलेखों के बारे में, पंदूरे के बारे में, जुर्ने के बारे में, लोगों के साहित्य प्रेम और कला प्रेम के बारे में, उन आशीर्वचनों के बारे में जो वहाँ लोग एक दूसरे को देते हैं, या फिर उन कोसनों के बारे में जिसमें किसी को उसकी भाषा से वंचित हो जाने का श्राप देना ही सबसे बड़ा श्राप माना जाता है। एक स्थान पर लेखक लिखते भी हैं कि मैं एक ऐसी पुस्तक लिखना चाहता हूँ जिसमें भाषा व्याकरण के नहीं, बल्कि व्याकरण भाषा के अधीन हो, यानी भाषा हर हाल में सर्वोपरि है। और जब आप पढ़ते हैं लेखक का उसकी मातृभूमि और संस्कृति और भाषा के प्रति ये प्रेम, ये श्रद्धा, आपका अपनी मातृभूमि और भाषा के प्रति प्रेम और श्रद्धा अपने आप जगने लगती है। जब आप पढ़ते हैं कि कैसे किसी लेखक का विषय उसकी मातृभूमि हो सकती है, वो कहते हैं कि वो पूरी दुनिया में अपनी मातृभूमि ढूंढ रहे हैं, यही उनका विषय है, और विषय की अहमियत बताते हुए वो ढेरों किस्से सुनाते हैं। जब मैं किस्सों की बात कर रही हूँ तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस किताब में इतने किस्से हैं, इतने ज़्यादा, जितने मैंने आज तक एक साथ एक किताब में शायद ही पढ़े होंगे। ये किस्से दागिस्तानी लोक कथाएँ हैं जो शायद वर्षों से वहाँ के जनजीवन में सुनी और गुनी जाती रही हैं। न चाहते हुए भी मैं इन किस्सों की तुलना अपने यहाँ की लोक कथाओं से करने लग जाती हूँ, इंसानी फितरत। लेकिन सच कहूँ तो मैं ये पाती हूँ कि कई मायनों में वो किस्से, उनकी बोधगम्यता, उनकी चिंतनशीलता, चुटकी लेने का उनका अंदाज और उनका बिलौसपन, मैं इनकी कायल हुए बिना नहीं रह पाती। यहाँ इस किताब में लेखक अपने पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता नज़र आता है और वो ये बताता है कि सिर्फ एकमात्र वही नहीं अपने देश के, अपनी मातृभूमि के प्रेम में पगा हुआ है, बल्कि उस देश का हर वासी, हर बाशिंदा असंख्य जातियों और भाषाओं में बटे होने के बावजूद खुद को एक दागिस्तान का हिस्सा मानता है।
और उसे बेपनाह मोहब्बत करता है। सिर्फ वही व्यक्ति जो अपनी मातृभूमि और विशेषकर अपनी भाषा से इतना प्यार करता है, ये बात लिख सकता है कि मैं एक ऐसी पुस्तक लिखना चाहता हूँ जिसमें भाषा व्याकरण के नहीं, व्याकरण भाषा के अधीन हो। सिर्फ वही व्यक्ति जिसके मन में इतना सच्चा प्रेम है और इतनी ईमानदारी है, वही ये बात कह सकता है कि मेरी किताब तुम वही शब्द कहना जो तुम्हारे चरित्र के अनुरूप हो, वो नहीं जिन्हें सिर्फ शिष्टतावश कहा जाना चाहिए, या मेरी किताब तुम स्थिर रहना अपना चरित्र नहीं बदलना, या मेरी किताब तुम दूसरों से भिन्न रहना, तुम मेरा आवार दागिस्तानी घर हो। और इतने प्रेम वात्सल्य और श्रद्धा से कोई अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पित एक पुस्तक रचता है तो वो उसके लिए किसी पूजनीय ग्रंथ सरीखी ही महत्वपूर्ण होगी। उसके बावजूद ये कहने का हौसला रखना पाठकों से कि अगर तुम्हें मेरे किताब में कोई ऐसा किस्सा या कोई ऐसा विचार नज़र आए जो किसी दूसरे किताब में रैन बसेरा कर चुका हो तो उसे अपने दिमाग से निकाल फेंकना बहुत बड़ी बात होती है। और मैं सच कहूँ तो मुझे इस किताब में एक ऐसा किस्सा नहीं मिला, ना एक ऐसा विचार ऐसा दिखा जो मैंने पहले कहीं और पढ़ रखा हो या ज़रा भी सुन रखा हो। इतनी नायाब रचना है ये। किताब का पहला भाग खत्म करने के बाद दूसरे भाग की शुरुआत में मैंने मिनट भर की देरी भी नहीं की। आखिर प्रस्तावना पढ़ने के बाद पूरी किताब पढ़ने की उत्सुकता होती ही ऐसी है। किताब के दूसरे भाग में लेखक ने दागिस्तान के इतिहास, भूगोल, उसकी राजनीतिक परिस्थितियों और सामरिक स्थितियों की भी थोड़ी बहुत चर्चा की है, लेकिन बड़ी सरल भाषा में। पुस्तक की शुरुआत वो दागिस्तान में आग और पानी के महत्व से करते हैं, फिर दागिस्तान के तीन खजानों की चर्चा करते हैं, बोल्शेविक क्रांति के बारे में किस्से सुनाते हुए लेखक वहाँ की जातियों और असंख्य भाषाओं पर पहुँच जाते हैं, और वहाँ के वीर सैनिकों और क्रांतिकारियों के किस्से भी उन्होंने खूब सुनाए हैं। इन किस्सों को पढ़कर आप हतप्रभ रह जाते हैं ये जानकर कि वो वीर सैनिक या क्रांतिकारी न सिर्फ एक साहसी योद्धा रहे बल्कि उनके दिल में अपनी भाषा, अपनी कला और पुस्तकों के प्रति भी कितना गहरा लगाव रहा। लेखक बड़ी सरलता से छोटे से लेकर बड़े विषय तक को आवारी लोक कथा, वहाँ की कहावतों, मुहावरों के जरिए बयां कर देते हैं। सच कहूँ तो आवार की लोक कथाएँ, लेखक को अपने पिता से मिली सीख और अबू तालिब के किस्से इस असाधारण से किताब को बहुत सुंदर बनाते हैं, कहीं ना कहीं उसे एक मजबूत आधार भी प्रदान करते हैं। एक नायाब रचना जिसमें आपको गद्य की नई तरावट का परिचय मिलेगा, और इसे पढ़ना मेरे लिए कुछ ऐसा अनुभव रहा जैसे मैं आत्मीयता के गहन क्षणों में चली गई हूँ और मेरा खुद से संवाद होने लगा हो। मैं अपने देश, अपनी भाषा को नए सिरे से समझने लगी हूँ और उससे नए ढंग से मोहब्बत कर पा रही हूँ। बिल्कुल ऐसी ही है ये किताब, और इस किताब के बारे में सुनकर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरा विश्वास है कि ये किताब पढ़ने में आपको इससे भी कहीं ज़्यादा पसंद आएगी। अगर किताब पढ़ने का मन है तो आप उसे मेरे लिंक से भी ऑर्डर कर सकते हैं। इस तरह से आप मसाला चाय को एक सहयोग भी करते हैं ताकि हमारा काम ऐसे ही अनवरत चलता रहे बिना रुके। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में जल्दी एक नई किताब के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए चलती हूँ। लाइक करना मत भूलिएगा, अगर अभी तक लाल बटन वहाँ दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टा पे फॉलो मत करना भूलिएगा, ये मैं हर बार भूल जाती हूँ और लास्ट में याद आता है, लेकिन अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं तो आजकल मैं वहाँ पे बहुत एक्टिव हो गई हूँ, तो आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी जो बैक स्टेज होती हैं या ऑफलाइन में करती हूँ वो सब भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी के लिए चलती हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और ढेर सारी किताबें पढ़ती रहिएगा। टाटा, बाय बाय।